मैं कितनी अभागन हूँ। आज मैं अपने पिता तुलसी ससुर जी से भी नहीं मिल पा रही हूँ। ये कैसे तेरी लेखना है दाता, ये कैसे तेरी लेखना है बाबूजी। एक बार अपने बिटिया को आशीर्वाद दे दो बाबूजी। उठिए बाबूजी। ये जमींदार रानस जी जो हैं, ये अभी मरा नहीं है, ये अभी बेहोश हुआ है। हम इसे मरा हुआ नहीं दिखला सकते हैं, क्योंकि कहानी हमने जमींदार राणा सिंह के महल से उठाया है, और इस कहानी को एंड भी हम जमींदार राणा के पहले से ही करेंगे। इसलिए हम जमींदार राणा को अगर मरा हुआ दिखा देंगे तो संगीत हमारी विराम पे चली जाएगी। ये सिर्फ बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर के अपने पैलेस में पड़ा रहता है, आत्मा व्यवस्था पूर्वक वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम इस स्टोरी को यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे उस बच्चे के पास, जो बच्चा घर बार छोड़ करके बाहर निकल जाता है, मंजीत नाम का जो लड़का होता है। वो 33 किलोमीटर दूर एक दीनापुर की बस्ती पड़ती है, दीनापुर के इलाके में चला जाता है और एक पगडंडी में अचानक बेहोश होकर के गिर पड़ता है। दीनापुर का एक जमींदार होता है जिसका नाम जसवंत सिंह है, और जसवंत सिंह की एक बेटी होती है, कमसिन होती है, वह 8वीं क्लास की छात्रा होती है, उसी रास्ते से पढ़ने के लिए कॉलेज के लिए निकल पड़ती है, और अचानक उस बिटिया की नज़र इस बच्चे पर पड़ जाती है। अब हम दिखाएंगे कि आत्मा का रहस्य क्या है, आत्मा क्या गुल खिलाती है, और ये छोटी सी बिटिया क्या करती है। आपको सारा रिजल्ट हम देंगे, ध्यान दीजिए। क्या बताऊं, लगता है कि आज मुझे बहुत देर हो गई कॉलेज के लिए, लेकिन कोई सहेली भी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आज वो मुझसे पहले चली गई। खैर कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ कॉलेज।
कौन सा नौजवान है जो इस रास्ते में भी हंस पड़ा है? न मालूम कौन है कौन नहीं। खैर कोई बात नहीं, इसे देखती हूँ। भगवान, इसे तो बुखार बहुत तेज है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, इन्हें उठाऊंगी, उठाने के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी, क्योंकि इन्हें दवा की जरूरत है। अगर इस बेचारे को दवा नहीं मिलेगी तो ये तो मर जाएगा। चलती हूँ, इन्हें उठाती हूँ। ये नौजवान तो इतना वजन है किसी उठा नहीं पा रही हूं। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, कोई नेकी का फरिश्ता भेज दे ताकि इसकी मदद कर सके। मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूं। अब मैं चलती हूं कॉलेज। सिपाही, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस दीनापुर गांव का जमींदार जसवंत सिंह हूं। क्यों नहीं ठाकुर साहब, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत हर तौर से मुहैया किया है। जी ठाकुर साहब, और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है जिसका नाम रेखा है। जी ठाकुर साहब, लेकिन सिपाही मेरी बेटी रेखा वो इस वक्त कॉलेज पढ़ने के लिए गई है, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक वो लौट कर वापस नहीं आई है। जी ठाकुर साहब, ठाकुर साहब आप बैठिए, आपकी बेटी कॉलेज से आती ही होगी। ठीक है, हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, आती हो तो ठीक, नहीं हम चल करके खुद पता लगाएंगे। अरे बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है? क्या लड़का? पिताजी आप किस लड़की की बात कर रही? मैं तो कॉलेज गई थी, मैं तो अपने साथ कोई लड़का नहीं ली। ये आप कैसी बातें करते हैं? बेटी रेखा, मैं जानता हूं कि बचपन में तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सयानी कर दिया है, और तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। पिताजी, अरे अभी अभी अपने साथ में इस लड़के को लेकर आई है और करे पिताजी मैं कुछ नहीं जानती, कौन है लड़का? पिताजी आप किस लड़की की बात करते हैं? हाँ बेटी। पिताजी, पिताजी इस लड़के को तो मैंने रास्ते में देखी थी। क्या रास्ते में? हाँ, ये बेचारा उसी रास्ते में बेहोश पड़ा था
और जब इसके पास गई और इसे देखी तो इसे बुखार बहुत तेज था। पिताजी मैंने इन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन ये नौजवान इतना वजन था कि मैं इन्हें उठा नहीं पाई और फिर मैं तो इनको उसी रास्ते में छोड़कर कॉलेज चली गई थी। मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये लड़का यहाँ आया कैसे। बेटी रेखा जी, खैर कोई बात नहीं है, कोई भी लाया हो लेकिन इस लड़के के साथ तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है बेटी, तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे को मैं अभी देखता हूँ। अरे हाँ बेटी, क्या हुआ? इस बच्चे को तो तेज बुखार है। क्या बुखार? हाँ बेटी, अब क्या होगा? और मुझे लगता है इसीलिए इसे कुछ भी होश नहीं है। और ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है। ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है और इसे देख दिल पारा पारा। डॉक्टर को क्या हो जाएगा ठीक दिल पर। तुम घबरा नहीं, सिपाही इस लड़के को उठाओ और हमारे कमरे में ले चलो, मैं इसी वक्त किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा और ठीक हो जाएगा। देखने में तो होनहार दिखाई पड़ता है, हो न हो सिपाही ये बच्चा किसी संपन्न घराने से ताल्लुकात रखता होगा। क्यों नहीं ठाकुर, लेकिन कोई बात नहीं है, आइए हम चलते हैं डॉक्टर के पास, इस बच्चे का इलाज कराएंगे और जब इसे होश आएगा तो मैं इससे जानकारी करूंगा ये रहने वाला कहाँ का है। मैं अपने कमरे में बेहोश पड़ा था। दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे कहने चाहूँगा कि आप लोग उठिएगा मत, अभी संगीत खत्म नहीं हुई है, संगीत का पूरा निष्कर्ष लेकर के जाइएगा, पूरा रिजल्ट लेकर जाइएगा, तभी आपको पता चलेगा किसका निचोड़ क्या निकला है। हम बहुत ही जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, संगीत बहुत बड़ी है, हमारी मजबूरी है, लेकिन आप लोग जाइएगा नहीं। देखिए संगीत में जो अत्याचार होते हैं और अत्याचारी को क्या मिलता है ये लास्ट में देख करके जाइएगा। तो मैं अपने कमरे में बेहोश पड़ा था और जब मेरे को होश आया तो देखता क्या हूँ कि मेरे महल के जो भी वर्कर थे, जो भी सर्वेंट वगैरह थे, वो राका के खौफ से भाग खड़े हुए, मैं अकेला बच्चा और मैं अपने बच्चों की तलाश में निकला हूँ। आज कई दिनों से कंटिन्यू खोज कर रहा हूँ बट मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। ईश्वर ने सब कुछ मेरा छीन लिया, इज्जत हुरमत जो कि जो सब चला गया, कम से कम लास्ट समय तू मेरे बच्चों को तो मिला दे। अगर ये भी नहीं कर सकता तो मेरे को उठा ले, मैं जीना नहीं चाहता इस दुनिया में।
आज मैं किस हालात में आ गया हूं दोस्तों, मैं वही नगराज सिंह हूं जो आज इस हालात में आ गया हूं। काश मैं ऐसे बुरे कर्म नहीं करता तो क्या आज शायद ये दिन मुझे देखने को मिलते। मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना, हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता गया, मां के कहने पर चलता रहा। और आज क्या मिला है, अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए राका ने मेरे हाथ को काट कर फेंक दिया, मेरी मां को दुनिया से मिटा दिया। न मालूम उसने मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मिटा दिया। मेरा भाई घर से बेघर हो गया, न मालूम किस हाल में होगा, कहां होगा, कैसा होगा मेरा भाई। ईश्वर मेरे भाई और बाबूजी की रक्षा करना। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुझे मुंह मोड़ लेते हैं। अब मैं कहां को जाऊं, किससे अपनी फरियाद को सुनाऊं, कौन है मेरा हमदर्द। चलता हूं किसी बस्ती की तरफ, किसी से फरियाद करूंगा, शायद उस पर दया आ जाए और मुझे एक टुकड़ा रोटी तो खिला दे। रोटियां और इस कच्चे में, लेकिन नहीं, भूख को मिटाने के लिए इसे किसी न किसी तरह हम जरूर उठाएंगे, क्योंकि मैं अब वो जमींदार नहीं हूं, मैं तो एक अब गली का धूल हो गया हूं। भगवान तू कैसी मेरी परीक्षा ले रहा, क्या आज मेरे भाई और रामू जी से तू मुझे दूर कर दिया। आज मैं दर दर की ठोकरे खा रहा हूं सिर्फ अपने अहंकार के कारण। अगर मैं अहंकार नहीं करता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलते। तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूं, चलने फिरने भी मैं असमर्थ हो गया हूं। और
ये कौन है भैया गर्दिश के हमारा यहाँ कचरे में पड़ा हुआ है? ओ गॉड, इसकी आवाज तो कुछ पहचानी सी लग रही, कौन है रे तू? ये तो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा यहाँ कचरे में पड़ा हुआ है। इतने बड़े जमींदार का बेटा यहाँ उठ गया। कचरे में पड़ा हुआ है। अरे घर क्यों नहीं आया तू? कितने दिनों से मैं तुम लोगों की तलाश कर रहा हूँ और यहाँ कचरे में झूठी रोटियों को मुझसे उठा कर खा रहा। बाबूजी आ गए। देखिए बाबूजी क्या हालत तो हो गई है मेरी। मैं तो अपाहिज हो गया बाबू। आज 3 दिन हो गए किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक नहीं खिलाया। आप मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो खिला दो मुझे। हे भगवान, मेरी मौत क्यों ना हो गई? मेरा बच्चा भूखा प्यासा तड़प रहा है। मैं खिलाऊंगा बेटा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहलाऊंगा धुलाऊंगा, जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। कुछ भी हो तू मेरा औलाद है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है बच्चा, मैं तेरे को ऐसे नहीं छोड़ सकता। चल मेरे साथ घर चलते हैं, चला जा। रेखा को बुला कर लो। ठीक है ठाकुर जी। क्या बात है बेटी रेखा, ये बताओ कि अब उस बच्चे की तबीयत कैसी है? पिताजी उनकी तबीयत ठीक है। ठीक है हाँ। जरा उस बच्चे को बुला कर लाओ। जैसी आप जल्दी जाओ बेटी। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जी नहीं, अब हमारी तबीयत ठीक है। ठीक है जी हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहने वाले कहाँ को हो और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हारे माता